एक कहावत है, संयम है कोतवाल तो डर काहे का। ऐसा ही कुछ हो रहा है सिमरिया नगर पंचायत में, जहां अपने निहित स्वार्थ के लिए अस्पताल की बाउंड्री तोड़ी जा रही है। दरअसल बताया जाता है कि अविनाश सोनी वार्ड नंबर 11 के पार्षद हैं, जिनका मेडिकल स्टोर अस्पताल के बाहर है, लेकिन गेट दूसरी तरफ होने के चलते दुकान में बिक्री कम होती है। सत्ताधारी पार्टी के पार्षद और अध्यक्ष होने के चलते बिना किसी परमिशन के अस्पताल की बाउंड्री तोड़कर दूसरा गेट बनाया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि अपने निहित स्वार्थ के लिए बाउंड्री तोड़कर अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि अस्पताल के अंदर रैकेट कोर्ट बनाया गया है, जहां लोग चिड़िया बल्ला खेलने आते हैं। अब दूसरा गेट बन जाने से असामाजिक तत्व अस्पताल के अंदर पहुंचेंगे और चोरी जैसी घटनाएं घटित होंगी। पूरे मामले को लेकर जब हमने नगर परिषद सिमरिया के सीएमओ हरि मित्र श्रीवास्तव से बात की, तो उन्होंने कहा कि अस्पताल उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, समिति के लोगों से परमिशन लेकर ही कुछ कार्य किया जा रहा होगा। आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से सत्ताधारी द्वारा अपने निहित स्वार्थ के लिए नियम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और स्वास्थ्य व्यवस्था बनाने की बजाय बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। सीएमओ कहा कहा थे मीडिया प्रभारी आए, हम जानी चाहते तुम बात कर रही हो हमसे, तो साहब कह रहे हैं हम कुछ तो रहा हम साहब से ये कि इस प्रकार नाजायज तरीके से दीवार तोड़ी जा रही है सिमरिया हॉस्पिटल की, जो मुख्य हॉस्पिटल बनी है सिमरिया तो ये बीचों बीच में जो कि द्वार हैं, लेकिन यहाँ जो व्यापारी हैं मेडिकल वाले उनके दबाव में आकर के इस प्रकार से नाजायज तरीके से ये तमाम गेट बनाया जा रहा है। पहले वहाँ पास गेट था, यहाँ से खोल रहे थे, फिर आके एक दिन फिर यहाँ से खोले, फिर यहाँ से खोल रहे, यहाँ सीसी वाले रोड से गेट नहीं खोल रहे, जहाँ से सबकी पब्लिक के लिए लाभ है, तो यहाँ से नहीं खोल रहे जी। आदेश पर एक माने 10,000 रुपया रहने में से वो ठीक है जोड़ गई में कितनी रुपया लाइन हूँ हाँ साहब से बात करी सीएमओ साहब से बात कर भाई बंद करी भाई काम साहब 4,00,000 रुपया लाइन थी। क्या नाम है अपना अरविंद शर्मा। ये कहाँ है यहाँ गेट के का मामला चल रहा है? गेट के मामला यहाँ वास्तव में जहाँ गेट है वो नहीं खुला जाता अविनाश सोनी के कारण। ये अविनाश सोनी कौन है? ये पार्षद है। कौन से वार्ड का? 11 वार्ड का पार्षद। तो ये क्या मिलेगा इनको? इनको मिलेगा पैसा, इसे माने कुछ लाए गए है अविनाश सोनी पैसा। ये गेट तो मुख्य है यहाँ अस्पताल में, पर यहाँ से काहे खुलवा रहे हैं? कौनो जरूरी नहीं है गेट। मरीजन को पकड़े खीतिर मेडिकल का है, क्या नाम है उनका जो मेडिकल का है? उमेश। अपने व्यक्तिगत लाभ की तीर सब लाभ का, तो इनके पास अथॉरिटी लेटर नहीं है, कलेक्टर परमिशन दे चाहिए ना भाई बिल्डिंग एटोरे का परमिशन ना काम कर रहे, तो क्या चाहिए थे अपना प्रशासन से भाई? सब प्रशासन से यह भाई गेट ना खुला जी। यह है मुद्दा हमारा जी। क्या नाम है अपना? दीपक शर्मा। ये क्या मामला चल रहा है अस्पताल में अपना? नाजायज तरीके से गेट खोला जा रहा है, गेट खोलने का इसमें कोई मतलब नहीं, फालतू यहाँ की साइकिल चोरी होगी कुछ आता मेडिकल के फायदे के लिए, उमेश का यहाँ पैसा लगा ये बाउंड्री वाल के लिए, इसीलिए उनका गेट खुलवाने का कार्य कर रहे हैं। ये डॉक्टर साहब क्या बोले हैं? डॉक्टर साहब कुछ नहीं बोले, डॉक्टर साहब परमिशन, यहाँ चिड़िया बल्ला भी खेला जाता सरकारी जमीन, कोई मर जाता शोर चिड़िया बल्ला बहुत खेला जाता है, यहाँ ग्राउंड देख लीजिए आप, ग्राउंड बना वहाँ पास एम्बुलेंस के बगल में, ग्राउंड भी बना, चिड़िया बल्ला भी खेला जा रहा है। तो इसका मामला क्या है गेट वाले का? गेट वाले में ये बताए हमसे बुड्ढा भैया ने कहा इसमें 2,50,000 रुपए उमेश का लगा, बाउंड्री में ये देख लीजिए टीना वाला वो भी लगा है, तो पूरी दीवार तोड़वा देंगे पैसा हाँ, लगा है तो इसीलिए तो कहते तो उनका फायदे के लिए तो उनके लिए लगे। क्या नाम है उन पार्षद का? उनका नाम है गीता अविनाश सोनी। किस पार्टी से? वो बीजेपी से।